नमस्कार आदाब सत श्री अकाल, आशा करते हैं कि आप घरों पर अच्छी तरह होंगे। आइए डालते हैं आज की क्या है खास खबर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बताया कि लखनऊ में हम लोग नाइट सफारी बना रहे हैं। इससे पहले हम गोमती नदी की सहायक नदी को पुनर्जीवन करने का कार्य कर रहे हैं, जिसका नाम है कुकरैल नदी। अगर हम नाइट सफारी के अर्थ की बात करें तो रात्रि सफारी से रात्रि चर जानवरों को उस समय देखने का अनोखा अनुभव प्राप्त होगा जब वे सबसे अधिक सक्रिय होते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बताया कि युवा उद्यमी विकास अभियान के अंतर्गत सूक्ष्म उद्यम के क्षेत्र में जो लोग कार्य करना चाहते हैं उन्हें 5 लाख का ब्याज मुक्त ऋण प्रदान किया जाएगा। कल T20 वर्ल्ड कप का 2024 का फाइनल मुकाबला शनिवार को बारबाडोस के कैंसिंगटन ओवल मैदान पर खेला जाएगा। निर्णायक मैच में भारतीय टीम का सामना साउथ अफ्रीका से होगा। टूर्नामेंट में दोनों ही टीमों का सफर बहुत शानदार रहा। रोहित शर्मा और एडन मार्करम की कप्तानी वाली टीम ने कोई भी मैच नहीं गंवाया है, पर ये फाइनल है, यहाँ एक को हारना होगा। भारत की टीम की बात करें तो इस समय भारत की टीम का पड़ला भारी दिख रहा है। अब हम तालगढ़ की खबरों पर डालते हैं नजर। उपजिलाधिकारी निशांत तिवारी के स्थानांतरण पर उपजिलाधिकारी श्रीराम यादव ने तालगढ़ तहसील का चार्ज दूसरी बार संभाला। वहीं इस दौरान उन्होंने पत्रकारों से रूबरू होते हुए बताया कि शासन की योजनाओं को पात्र व्यक्ति तक पहुंचाना उनकी पहली प्राथमिकता है। पीड़ित को हर हाल में न्याय मिलेगा उनकी प्राथमिकताओं में है। क्षेत्र में अवैध खनन किसी भी तरह से बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अवैध खनन करने वालों पर होगी कार्रवाई। ललितपुर की वो खबर दिखा रहे हैं जिसे आज हर किसी को देखने की जरूरत है। खुद का अपहरण कराना, अपनी पत्नी से रिपोर्ट दर्ज कराना, 30 लाख रुपए की फरौती ना मिलने पर हत्या की झूठी सूचना। पुलिस अधीक्षक मोहम्मद मुश्ताक ने पूरे इस नाटक से पर्दा हटा दिया। ये पूरा नाटक निकला और वहीं इस नाटक को पूरी तरह से घटना का अमली जामा पहनाने की कोशिश की गई थी, पर ये भूल गए कि ललितपुर में पुलिस अधीक्षक मोहम्मद मुश्ताक है। यहाँ अपराध व अपराधियों के लिए कोई जगह नहीं है। और पुलिस अधीक्षक मोहम्मद मुश्ताक ने साफ कहा है कि ऐसी जो मनगढ़ंत घटनाएं करते हैं या जो ऐसा सोच रहे हैं तो उनके लिए वही धाराओं में कार्रवाई होगी जो हकीकत में ऐसी घटनाओं को अंजाम देते हैं। तो आप सुन लीजिए, कहीं भी इस अपराध के लिए ललितपुर में कोई गुंजाइश नहीं है। बताइए, इस शख्स को खुद देख लीजिए, खुद का अपहरण कराया, 30 लाख की फरौती मांगी और कहीं ना कहीं पुलिस अधीक्षक मोहम्मद मुश्ताक ने दूध का दूध पानी का पानी कर दिया। और ऐसे भी लोग इस समाज में मौजूद हैं, इस बात से आप खुद देख लीजिए कि खुद का अपहरण करा लेते हैं। और जिस तरह से पुलिस अधीक्षक मोहम्मद मुश्ताक ने अनावरण करने वाली पूरी टीम को 25,000 रुपए का पुरस्कार व प्रशस्ति पर देकर सम्मानित किया जाएगा, ये बात भी कही। आइए सुनते हैं पुलिस अधीक्षक मोहम्मद मुश्ताक ने सिलसिलेवार तरीके से पूरी घटना के बारे में क्या कहा, सुनते हैं। ये स्वयं का जो किडनैपिंग की एक आपराधिक षड्यंत्र रचने का जो एक 4 लोगों के द्वारा षड्यंत्र रचा गया था, उन्हीं लोगों को आज जो है अरेस्ट किया गया है और उनको अरेस्ट करके आज जेल भेजा जा रहा है। इसमें मामला ये था कि एक महिला के द्वारा सूचना दी गई थी कि उसका पति जो है उनको कुछ लोगों ने किडनैप कर लिया है और उनसे फिरौती के रूप में 30 लाख रुपये की जो है रकम मांगी गई है। इसके बाद जो है जब उनके द्वारा इस घटनास्थल को जो है अहमदाबाद जो है बताया गया था कि अहमदाबाद से जो है उनका पति जो है किडनैप किया गया है, उसकी जब उसकी विवेचना और FIR दर्ज करने के बाद उसकी विवेचना जब शुरू की गई उसमें ये पता चला कि ये जो व्यक्ति जो मनोज है जिनकी पत्नी के द्वारा मुकदमा लिखवाया गया था, इसके द्वारा जो है एक कंपनी बनाई गई थी 2018 में और उस कंपनी के माध्यम से इनके द्वारा जो पब्लिक से लगभग 2.5 से 3 करोड़ रुपए जो है वो इकट्ठे किए गए थे। इनके साथी जो है कई सारे थे जिसमें भगवान दास हैं, इनकी पत्नी जो है खुद भी उसमें डायरेक्टर रही हैं और इन लोगों के द्वारा कंपनी बना करके लोगों के साथ फ्रॉड किया गया था और इनके ऊपर जो है पब्लिक जिनका पैसा जो है इन लोगों के द्वारा गबन किया गया था उसके लिए इनके द्वारा कोतवाली और तालभेट में मुकदमे भी लिखे गए थे और एक मामले में इनके घर की कुर्की जो है का भी विरासी का आदेश जो है वो भी हुआ था। फिर जो जो वादिया हैं उनके पति और उनके दोस्तों के द्वारा
यह एक आपराधिक षड्यंत्र रचा गया कि यदि हम अपने किडनैपिंग की सूचना जो है वो दे देते हैं अपने परिवारजनों को तो उनके माध्यम से हमको पैसा जो है वो मिल सकता है, और इस पैसे का हम लोग जो पब्लिक से हम लोगों ने पैसा लिया है उसको हम लोग वापस कर सकते हैं। इसी के लिए इनके द्वारा लगातार अपनी पत्नी को फ़ोन करके बताया गया कि उनका किडनैपिंग किया गया है। साथ ही इसके पहले इनके द्वारा अपने अपनी मम्मी को और अपने भाई से भी पैसे की मांग की गई थी तो उनके द्वारा मना कर दिया गया था कि हम लोग आपको पैसा नहीं देंगे। इनको इनके द्वारा जो अपने पत्नी के नाम पे और अपने कंपनी के नाम पे जो ज़मीनें खरीदी गई थी उसके संदर्भ में इनका ये था कि उसी जमीन को पत्नी के द्वारा बेच दिया जाएगा और उससे जो पैसा मिलेगा तो उसको हम लोग वापस कर देंगे। इसी के लिए पूरा एक कॉन्स्पिरेसी जो है वो रचा गया था। इसमें जो है एक मनोज कुमार, भगवान दास, मंगल और हिम्मत सिंह, इन चारों को अरेस्ट किया गया है और इनको अरेस्ट करके आज माननीय न्यायालय में जो है वो भेजा गया है। साथ ही इस तरीके का कोई भी कार्य करने वाले जो भी गिरोह के सदस्य हैं जो कि पब्लिक का पैसा जो है फर्जी कंपनी बना करके इकट्ठा करते हैं और फिर उसका जो है गबन कर लेते हैं, ऐसे लोगों के खिलाफ भी हम लोग एक विशेष अभियान चला रहे हैं और जो भी लोग इस तरीके का कार्य करते हैं उनके खिलाफ हम लोग कठोर दंडात्मक कार्रवाई भी करेंगे, गैंगस्टर की कार्रवाई भी करेंगे और उनकी जो भी इस तरीके से अपराध से अर्जित जो संपत्ति है उसको भी हम लोग कुर्क करेंगे। और इसमें भी जो इस तरीके का कार्य किया गया है हम लोग इसमें गैंगस्टर और आगे जो है उसकी कुर्की जैसी कार्रवाइयों को भी हम लोग करेंगे ताकि इस तरीके का कार्य जो है कोई दूसरा व्यक्ति जो है मोहम्मद मुश्ताक द्वारा शुक्रवार की परेड की सलामी लेकर परेड का निरीक्षण किया गया। एसपी ने पुलिस लाइन स्थित क्वार्टर गार्ड अरमरी आदि का निरीक्षण कर शास्त्रों की साफ सफाई हेतु संबंधित कुछ दिशा निर्देश दिया गया। आग से होने वाली घटनाओं के दृष्टिगत एसपी द्वारा परेड में उपस्थित पुलिस कर्मियों को आग से बचाव में संबंधित को जानकारी दी गई, साथ ही आग की घटना घटित होने पर किस प्रकार समय पर बचाव किया जाए जिससे कोई बड़ी घटना घटित ना हो जाए, इसके संबंध में डेमो कराया गया एवं बचाव हेतु प्रशिक्षित कराया गया। पुलिस अधीक्षक ने यूपी 112 के वाहनों को चेक करते हुए पुलिस कर्मियों को निर्देशित किया गया इवेंट की सूचना पर शीघ्र अतिशीघ्र पहुंचकर पीड़ित को हर संभव मदद करें तथा परेड में शामिल पुलिस कर्मियों से उनकी समस्याओं को सुनकर संबंधित को निस्तारण करने हेतु निर्देशित किया। विज्ञान केंद्र में ग्रामीणों युवतियों के रोजगार स्वराज हेतु सिलाई काला विषय पर 21 दिवसीय प्रशिक्षण गृह विज्ञान वैज्ञानिक डॉक्टर सरिता देवी द्वारा दिया गया। इसमें ग्रामीणों युवतियों के सर्वांगीण विकास आत्मनिर्भर बनने हेतु उत्तुक प्रशिक्षण अंतर्गत प्रशिक्षार्थियों को बच्चों के वस्त्र, लेडीज वस्त्र आदि का प्रशिक्षण दिया गया जिसके माध्यम से वह नए डिजाइन के परिधान तैयार करके सभी घर बैठे धन ललितपुर में खेल निदेशालय लखनऊ के निर्देशानुसार सत्र 2024-25 में उत्तर प्रदेश स्पोर्ट्स कॉलेजेस सोसाइटी लखनऊ के अधीन संचालित गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज लखनऊ में कक्षा 6 में प्रवेश हेतु विभिन्न स्तर पर आयोजित चयन ट्रायल्स पार करते हुए जनपद ललितपुर के स्पोर्ट्स स्टेडियम के प्रशिक्षु देवराज का सत्र 2024-25 में गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज में चयन हुआ। उल्लेखनीय है कि देवराज रविंद्र कुमार एथलेटिक्स प्रशिक्षक के संरक्षण में विगत 2 वर्षों से तकनीक व स्किल का प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं। देवराज का चयन होने पर क्रीड़ा अधिकारी स्टेडियम परिसर के समस्त प्रशिक्षुगण, प्रशिक्षक, वरिष्ठ खिलाड़ी व अन्य जनमानस द्वारा हर्ष व्यक्त किया गया। यूट्यूब पर जाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेगा, बेल आइकन को हिट करिएगा। कल फिर मिलते हैं नई खबरों के साथ। आपकी जिंदगी बहुत कीमती है, बेहतरीन से ख्याल रखिएगा। जय हिंद।